निर्भया के दोषी ने राष्ट्रपति से दया की मांग की है। जी हाँ, मुकेश ने तिहाड़ प्रशासन को दया याचिका की कॉपी जो है वो सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन आपको बता दें कि खारिज हो चुकी है, उसके बाद अब दया याचिका की मांग मुकेश द्वारा की गई है। दोषी मुकेश का दया याचिका जो है अब आखिरी दाव है और 22 जनवरी को आपको बता दें कि सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाए जाने हैं निर्भया के दोषी। अब जितने हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। क्यूरेटिव पिटीशन जो फाइल की गई थी वो पहले ही खारिज हो चुकी है और अब दया याचिका लगाई गई है।